तो गाइस तुम सोच रहे होंगे कि आज का हम लोग कैसे अजीब सा स्टार्ट होता है, बट अजीब सा ब्लॉगिंग है क्योंकि ऐसा है मेरी आज की यूजुअल सी सुबह है, ठीक है, कुछ खास है नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ब्लॉग बनाया नहीं है, तो सुबह वैसी है। बस में ये फ़र्क है कि मैं आ चुका हूँ शिमला में। अब शिमला सोच के ये मैं सोचना कि मैं रिच पे घूम रहा हूँ, वादियों में हूँ, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि मेरे को शिमला कह के शिमला से 50-60 किलोमीटर ऊपर गुम्मा कोटवाली साइड ले आए, जहाँ पे कुछ ऐसा सा व्यू है, ठीक है, जो ज़िंदगी कुछ खास अच्छी चल नहीं रही है, तुम जानते हो लड़का इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो खास अच्छी क्या ही होगी, ठीक है। तो अभी हम जाने वाले अपने कॉलेज 10 बजे, नहीं खुशी मत बनाओ, 10 बजे कॉलेज नहीं होता अपना, बस ये कि आज अपने सर नहीं आए तो आज 10 बजे कॉलेज है, और मैंने सोचा 10 बजे कॉलेज है तो 1 घंटे का यूटिलाइज़ क्यों ना करा जाए, ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग से पहले चाय बनाते हैं, ठीक है, पहले चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं बाहर। सुबह जिन वादियों में चाय तो बन चुकी है, अब चाय पीने के बाद टाइम है कॉलेज जाने का। भाई इतने गौर से मैं देखो, कौन सी चाय है भाई, भाई बताऊँ क्या चक्कर है, आजकल अपना बजट हिला हुआ है और तुम्हें पता ही है लॉन्डो की मंथ एंडिंग कैसे होती है, तो आप पीरे ग्रीन टी, पर ग्रीन टी तुम्हें पता है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है। हाँ मालूम है मेरे को, झूठ है ये, बस अब थोड़ा टाइम ऐसा है ना कि व्यूज तो तगड़ा आ रहा है, ठीक है, मैं अपने यूट्यूब की व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वैसे ही ले पड़े हैं भाई, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मैं बस इस व्यू की बात कर रहा हूँ, ये व्यू तगड़ा रहा है, बस चाय पीते हैं और अब कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि जो तुम्हें पता है ये 75% अटेंडेंस वो कहाँ से निकालनी है भाई, वो वहीं से निकालनी पड़ेगी जहाँ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि मैं व्लॉग के चक्कर में काफ़ी लेट हो चुका हूँ, अब व्लॉग खत्म करते हैं, खत्म नहीं करते हैं भाई, इस क्लिप को ही खत्म करते हैं और अपनी चाय को ख़त्म करते हैं और तैयार होकर निकलते हैं फटाफट। सो गाइस अपनी बर्बाद ज़िंदगी में ना दो पल खुशी गए थे कि सर ने आनंद था आज, पर वो दिन भी ख़राब हो गया क्योंकि आज हमें मैसेज आ गया हमारी एक्स्ट्रा क्लास है वो भी 9:45 पे, तो बस अभी 9:45 पे चल रहे हैं। अब भाई आप वैसे जा कर रहे हो कॉलेज के दर आपका भैया, किसी को दिख रहा हो ना आगे जाके, अगर मैं यहाँ पे अपने कैमरे का फुल एक जूम भी मार दूँ ना तो भी शायद मेरा कॉलेज नहीं दिख पाए क्योंकि कॉलेज मेरा है इतनी नज़दीक, हाँ सच में नज़दीक है भाई, बस सुबह तुम 4 बजे उठो 10 बजे तक कॉलेज पहुँच ही जाओगे, इतनी नज़दीक है मेरा कॉलेज, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। अब यही है कि हम चले हैं इस टाइम मनी प्लांट के पास, ठीक है। अब तुम कह रहे होंगे मनी प्लांट कौन सा होता है भाई, तुम क्या दिखा रहे हो भाई, ये असली मनी प्लांट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेब के बूटे, अब समझ गए होंगे कितना पैसा है इसमें पैसा ही पैसा होगा। सुबह जब अभी नदियाँ पुल क्रॉस करके ना हम पहुँच गए कॉलेज के पास, कॉलेज तो अभी थोड़ी सी आगे पर अभी साइड है गर्ल्स हॉस्टल। अब तुम्हें पता है इस टाइम हमने कैमरा तो चला दिया पर यहाँ से जुतियाँ कितनी चलने वाली है भाई वो पता नहीं है ना, इससे पहले कैमरा बंद करते हैं पता नहीं कौन पहले जुत्ती चला दे। दोपहर के 2 बजे, नो सॉरी सॉरी यार अभी 1 बज रहा है, बिग बॉस की आदत पड़ गई है ना, तुम्हें पता है ये इस बार का बिग बॉस OTT सबने देखा तो वो उसकी आदत पड़ी हुई है। तो अभी गाइस दोपहर के 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और अभी हम बैठे हैं अपने कॉलेज के पास, ये अपने कॉलेज को कुछ ऐसा व्यू है, ये अपना ऑफिस वाली साइड और ये अपने कॉलेज इस वाली साइड जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, हाँ तुमने ठीक सुना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तो बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अभी हम खाना खा के बैठे हुए हैं यहाँ पे पेट वाली साइड में, मतलब थोड़ी रेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि अभी हमारी क्लास है सीधे 2 बजे, वो क्लास लगाएंगे फिर उसके बाद फिर से चल जाएंगे वापस रूम में, इसी लूप में फंसे हुए हैं, यही कंडीशन है अपनी, कुछ अगर इंटरेस्टिंग सा करेंगे तो वो शो करेंगे, बाकी कॉलेज की ज़िंदगी अभी फ़िलहाल तो बोरिंग सी चल रही है, ऐसे ही बस दिन भर होता है और यहाँ आके बैठ जाते हैं। सो गाइस अभी हम दोबारा वापस अपने रूम जा रहे हैं, हालत ख़राब हो चुकी है ज़िंदगी में। अरे तो भाई कॉलेज का रिव्यू दो, आप कैसा लगा, आपको पसंद आया? अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा। जिंदगी कैसी कट रही है आपकी कॉलेज में? बिल्कुल स्वर्ग बन चुकी है मेरी जिंदगी, जैसे लगता है नर्क से उठकर मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। भाई ये स्वर्ग लगता है कुछ ज्यादा ही, ऐसे सपनों में आ गए, कुछ दिख रहा है स्वर्ग में आपके, आप ही दिख रहे हो बस यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग स्वर्ग नीचे छोड़ा है ना, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई स्वर्ग की सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ तो दिख नहीं रही मेरे को, घास ही दिख रहा है बाकी, तो हालत खराब हो रखी है यार, शाम के 4 बज चुके हैं पर यस डेड होने वाले भाई, अब बेड में जाके लेट जाना है सो जाना है भाई।